कोई भी चीज आसानी से कैसे बेचे, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूं। महाराष्ट्र में मूवी पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैं चेयरमैन हूं। वहां काफी बिजनेस सेमिनार्स हमारे जो बोरोअर्स है, जो लोन लेते हैं, उनके लिए हम काफी बिजनेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अंतर्गत ही मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाया हुआ है। सेल्स जो है वो आसानी से हम कर सकते हैं, सेल्स करना आसान है। एक्चुअली वो लोगों को बहुत डिफिकल्ट जॉब लगता है। लोग बोलते हैं सेल्स करना मतलब मुंह के ऊपर थप्पड़ खाने जैसा है, बार 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 नो सुनना पड़ता है, इट्स रिजेक्शन जॉब, रिएक्शन बार बार आती रहती है। आप 10 लोगों को मिलेंगे, 9 लोग आपको मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, बहुत जोर के थप्पड़ लग जाएंगे, आप डिसमूड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, रिजाइन हो जाएंगे, बोलेंगे हेड मेरे को होना ही नहीं है, घर जाके सो जाएंगे, क्योंकि बार 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 नो 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 सुनना पड़ता है। और वो नो सुनना पड़ता है इसलिए है कि लोगों को कोई माल बेचने के लिए तो अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए आप बेचवाल मत बनो, सेल्समैन मत बनो, कंसल्टेंट बनो। तो नंबर एक, आप कंसल्टेंट बनो। जो कंसल्टेंट जो करता है वैसा आप करो। देखो, आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, आपने बोला मुझे पेट में दर्द हो रहा है, उसने सुला के आपको देखा, बोले चलो इसको ऑपरेशन लेके जाओ, तो आप जाओगे ऑपरेशन करने के लिए? बोलेंगे क्या डॉक्टर है, देखा भी नहीं, तपासा भी नहीं बराबर, पूरा ऑपरेशन करने का है। तो कोई भी डॉक्टर ऐसा करता नहीं है। समझो कोई आप आंख वाले डॉक्टर के पास में लेके गए, उसको मालूम है 40 के ऊपर का ये नंबर का चश्मा उसको पक्का बैठता है, वैसा देखते बराबर ही वो चश्मे का नंबर लिख के दे सकता है, और वैसा नंबर आपको दे दिया तो आप लेंगे नंबर? वो नहीं लेंगे, बोलेंगे तपासा भी नहीं, जांच भी नहीं किया। तो कोई भी आपको माल बेचना है तो आप तुरंत बस ले लो, खरीद लो, ऐसा बोलेंगे तो होगा नहीं। आपको उसके बारे में जानना होगा, डायग्नोसिस करना होगा, एग्जामिन, जैसा डॉक्टर डायग्नोसिस करता है उसके पहले हिस्ट्री लेता है, एग्जामिन करता है, कोई चेक करता है, और डायग्नोसिस करने के बाद में फिर उसकी ट्रीटमेंट करता है, फिर ऑपरेशन के लिए लेके जाएगा, वो भी तुरंत बोलेगा नहीं, उसके ऊपर पहले दवाइयां देगा और बाद में ऑपरेशन की बात करेगा। उसकी जांच होना जरूरी है, उसको क्या चाहिए, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी वांट क्या है, उसको बोलते करना है, और बोलने के बाद में उसको जो भी चाहिए वो हम कैसा दे सकते हैं, ऐसे हम बात करेंगे तो होगा। तो कंसल्टेंट बनो, सेल्समैन मत बनो। एक्चुअली जब सेल्स होता नहीं है तो समस्या आप खुद हो, ये समझ जाना। आपके दिमाग में क्या है उसकी बदबू सामने वाले को आ जाती है, और फिर वो हट जाता है, वो डिफेंसिव हो जाता है, वो भाग जाता है। नंबर दो, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करो, उसके साथ में आपका रिश्ता जुड़ना चाहिए। आप जाएंगे बोलेंगे माल ले लो तो कोई माल लेगा नहीं, मगर आप यदि उसका उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि क्या करता है, घर में कौन कौन लोग हैं, बच्चे कितने हैं, उसके सामने भी क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसके बच्चों के बारे में उसको प्रॉब्लम है, क्या उसके वाइफ के साथ में उसकी पट्टी नहीं, क्या उसके भी घर में कोई डेथ हो चुका है, क्या हुआ है, क्या डील कर रहा है अभी, क्या लॉस हो चुका है उसको, मतलब क्या चालू है उसके घर में, रिलेशनशिप में आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके साथ में आपकी रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, तो रिश्ते में आदमी कुछ भी कर देता है, तो आपको पहले उसको पूछना पड़ेगा रिलेशनशिप के बारे में। बाहर से जानकारी निकालनी पड़ेगी, लोगों से जानकारी निकालो, उसको पूछो, उसके साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। क्या आप उसके बच्चे की एडमिशन कहीं होंगी तो वो करवा सकते हैं, जो नहीं हो रही है तो? क्या आप उसका और उसके वाइफ का नहीं पट रहा है तो क्या वो आपको उसके बारे में काउंसिलिंग कर सकते हो, या कोई काउंसिलर के पास में रेफर कर सकते हो? मतलब क्या कर सकते हो उसके लिए? सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो ले लो माल, ले लो और बेच लो, ऐसा नहीं होता। यदि आप फोकस करते हैं सेल्स के ऊपर तो आप सेल भी लूज करते हैं और रिलेशनशिप भी लूज करते हैं। लोग आपका चेहरा देखना नहीं चाहते, बोले माल बेचने आया था, बोले मेरे को टाइम ही नहीं है। पूछा टाइम कब है, बोले कभी भी नहीं है टाइम, एकदम तुरंत डिफेंसिव में जाता है, मेरे को बेचने आ गया, बेचने आ गया बोले तो वो बोलता नहीं मेरे को नहीं होना। मगर उसकी जिंदगी के लिए आप जाते हो किसके पास में, तब ये पॉसिबल है। तो जब आप जाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा उसके ड्रीम्स क्या है, आने वाले 3 साल में वो क्या करने वाला है, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है उसके लाइफ में। जब आप उसको पूछते हैं उसका क्या पर्पस है, कोर पर्पस क्या है, आगे क्या चैलेंजेस वो देखता है, ऐसा मतलब उसके साथ में कोई बातचीत करते हैं, आप खोदते हो तो उसको उसमें मजा आता है। इसके लिए आपको खोदना पड़ेगा, उसके जिंदगी में जाना पड़ेगा, उसके साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो आप बेच सकोगे। तीसरा जो है, आपको सुनना पड़ेगा सेल्स में। क्या होता है कि जब आप सेल करते हो
तो आप बोलते हो, मगर कोई माल बाय करता है। कहता है कि जब आप सेल करते हो तो आप बेच रहे हो, मगर कोई बाय करता है तो आपको सुनना पड़ता है। इसका मतलब जब कोई आदमी बाय कर रहा है तो आपको सुनने का है, ज़्यादा बोलने का नहीं है। तो उसके प्रॉब्लम सुनो, लिसन करो, अपने प्रॉब्लम के माने बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, वो क्या डील कर रहा है, उसके दिमाग में अंदर क्या चालू है। तो सेल्स में लिसन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और सुनो, जब आप सुनेंगे तो वो काफ़ी इशारे देता है, बहुत इशारे देता है कि माल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। जब आप बात करोगे तो उसमें इतनी बात करना है कि उसके मुंह से हाँ शब्द निकलेगा, उतनी बात करना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो आपका प्रॉब्लम छूट जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रॉब्लम जो भी है वो प्रॉब्लम छूटने में हमारा प्रोडक्ट मदद करेगा? मतलब यस 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 आप निकालते हैं, उसको बोलने लगाते हैं। ज़्यादा उसने बोलना चाहिए, हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहिए तो आपका सेल होगा। चौथा, एक बार खरीदने का निर्णय उसने कर लिया, बाद में माल बेचने का नहीं है। क्या होता है कि एक बार आपको हिंट मिल गई, इशारा मिल गया कि ये खरीद रहा है, बाद में फिर अपने और बोलो ऐसा बोलते जाना नहीं। बाद में सेल हो चुका है अभी, तो आपको वो समझना चाहिए कि इसने निर्णय किया हुआ है। क्या एक बार उसने निर्णय किया हुआ है खरीदने का, हो चुका है डील, डन डील, डील हो चुका है, फिर क्यों भी माल बेच रहे हैं आप उसको? क्या होता है कि जब आप और बेचना चाहते हो तो आपका जो डेस्परेशन है वो दिखता है, और खरीदने वाला आदमी भी फिर बाद में नहीं खरीदेगा, तो उसको लगता है कि नहीं, बहुत ही डेस्परेट है बेचने के लिए, बहुत ही भागा दौड़ी कर रहा है, बहुत मतलब ब्रेसलेस है बेचने के लिए। आपको हिंट मिलनी चाहिए कि इशारा कि नहीं, इसने निर्णय ले लिया खरीदने का, फिर आपको ज़्यादा बेचने का नहीं है। बाद में आपने मुंह बंद करना है, और बाद में जो भी बोलता है उसको सुनने का है। तो ये आप करेंगे, चार टिप्स। एक तो मैंने बताया कि आप कंसल्टेंट बनो, सेल्समैन मत बनो। नंबर दो, रिलेशनशिप डेवलप करो। नंबर तीन, लिसन करना चालू करो, सुनो। और नंबर चार, एक बार माल बेच गए, बाद में सेल करने की और कोशिश नहीं करना है। एक बार जो हो गया वो हो गया है, बाद में चुप बैठने का है। ये चार फंडे आप अपनाते हो, डेफिनेटली आपका सेल एक नए लेवल पे चले जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी सेल्समैन को शेयर करो, जो जो सेल करते हैं और फेल होते रहते हैं उनको बहुत काम में आएगा, क्योंकि सेल करना बहुत कठिन काम है। लोगों को आसानी से वो हो सकता है मालूम नहीं है, ये आसानी से कब होगा, जब आप माल बेचने नहीं जाओगे तब। हमारा ऐप है, वो डाउनलोड करो, उसमें भी काफ़ी सेल्स के, बिजनेस के वीडियोस है, वो भी आप सुन सकते हैं। और हमारा जो मकसद है, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत और फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरीवन, उसमें मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई सवाल होंगे तो ज़रूर हमको कॉल करो, हम ऑनलाइन आपका आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। थैंक यू।